लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में इस बिल को पास कराने की चुनौती बीजेपी के सामने होगी। हालांकि कुछ कमजोर बीजेपी जरूर है, लेकिन इसको आसानी से पास करा सकते हैं। तो नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर प्रदर्शन के लिए कहा है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने की हिदायत दी गई है। बिल के विरोध में आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। तो विरोध प्रदर्शन लगातार विपक्ष का जारी है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में ये प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। धन के आधार पर बांटने का आरोप सरकार पर। केसी वेणुगोपाल ने अब सभी प्रदेश अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन करने की बात कही है। कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, तो जहां एक तरफ ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसी से पहले देश भर में विरोध के स्वर जो है वो साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस। तो कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। तो विपक्ष का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस। तो देश भर में यही विरोध देखने को मिल सकता है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि लगातार विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं संविधान के मूल नियमों का यहां पर उल्लंघन हो रहा है। धर्म के आधार पर देश के लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। तो सीधे तौर पर ये आरोप के जरिए विरोध प्रदर्शन पर अब उतर आई है कांग्रेस और देश भर में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वेणुगोपाल की तरफ से सभी प्रदेश अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस। तो राज्यसभा में पेश होगा नागरिकता संशोधन बिल, लेकिन उससे पहले विपक्ष पूरी तरह से तैयार चुनौती देने के लिए।